एटीट्यूड, हम अपना एटीट्यूड वक्त आने पर दिखाएंगे, वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तू खरीद लेना, शहर तू खरीद लेना, हुकूमत हम चलाएंगे, हुकूमत हम चलाएंगे। सो है गाइज व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अगर गाइज कुछ इस तरह का एटीट्यूड वाला स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना है, ऐसा नहीं है और भी वीडियो देखने के लिए। ओके गाइज, और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लोग जॉइन फॉलो दोनों कर लेना। ओके, तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग अलर्ट मोशन एप्लीकेशन का ओपन कर लेना, एंड अगर गाइस आपके पास नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाना एंड इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ओके, तो आप गाइस यहाँ पर आप लोग बिटमार्क प्रोजेक्ट और साकिबेक प्रोजेक्ट दोनों को इनपुट कर लेना। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाओगे अलर्ट मोशन पर। ओके, तो सबसे पहले गाइस आप लोग बिटमार्क वाला जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लेना। तो आप गाइस यहाँ पर क्लिक करके अगला बीट मार्क तक चले जाना। तो आप गाइस यहाँ पर डायलॉग टेक्स्ट पीएनजी ऐड करना होगा, तो उसके लिए गाइस देख सकते हो जो प्लस का आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करके मीडिया पर जाके यहाँ पर डायलॉग टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेना। तो ये सारा टेक्स्ट पीएनजी गाइस मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले गाइस आप लोग हम अपना एटीट्यूड वाला जो टेक्स्ट पीएनजी है ना इसको ऐड कर लेना। तो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर डबल टैप कर देना, और एक बार टैप करके यहाँ पर क्लिक कर देना। ओके, तो बीट मार्क तक आ जाएगा। तो उसके बाद फिर से जो प्लस का आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करके मीडिया पे जाके गाइज, तो अब गाइज यहाँ पर आप लोग ए वाला टेक्स्ट पीएनजी ऐड कर लेना वक्त आने पर, ए वाला टेक्स्ट पीएनजी। एंड ऐड करने के बाद यहाँ पर टैप कर देना, और एक बार यहाँ पर टैप कर देना। तो अब गाइज इस फोटो को बीट मार्क तक करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना। ओके, तो बीट मार्क तक आ जाएगा। तो अब गाइज यहाँ पर आप लोग बैक कर लेना, एंड फिर से जो प्लस का आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करके, तो यहाँ पर गाइज ए वाला टेक्स्ट पीएनजी ऐड कर लेना, ए वाला शहर तू खरीद लेना, ए वाला टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेना। देन गाइज एरो पर टैप कर देना, एंड और भी एक बार टैप कर देना। आप गाइज यहाँ पर क्लिक करके इस फोटो को बिटमार्क तक कर लेना। ओके, देन फिर से बैक कर लेना। तो उसके बाद गाइज जो फिर से प्लस का आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करके मीडिया पर जाके यहाँ पर जो हुकूमत हम चलाएंगे ये वाला टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेना। ओके, तो आप गाइस जो एरो है ना यहाँ पर क्लिक कर देना, एंड और भी एक बार क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना, बिटमार्क तक फोटो आ जाएगा। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर देख सकते हो सारा टेक्स्ट पीएनजी ऐड हो गया। तो आप गाइस अपना खुद का फोटो ऐड करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके बिटमार्क तक चले जाना। देन जो प्लस का आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करके मीडिया पर जाके गाइस फोटो को सिलेक्ट कर लेना, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। एंड थ्री डॉट पे जाके गाइज आप लोग फील कॉम्पोजिशन एरिया यहाँ पर क्लिक कर देना। दे तो इस फोटो को गाइज बिटमार्क तक कर लेना कुछ इस तरीके से। ओके, तो बिटमार्क तक हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद गाइज फोटो में इफेक्ट लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए गाइज आप लोग बैक कर लेना, एंड जो यहाँ पर सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हुकूमत हम चलाएंगे ये वाला जो इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना। तो कॉपी करने के लिए गाइस फोटो के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना, एंड बैक कर लेना। ओके, तो उसके बाद जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लेना। तो आप गाइस यहाँ पर सभी टेक्स्ट पीएनजी में ए वाला इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। तो यहाँ पर फोटो के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके पेस्ट कर लेना, एंड बैक कर लेना। कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर सभी टेक्स्ट पीएनजी में ए वाला इफेक्ट को पेस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पर फटाफट कर लेता हूँ। तो पेस्ट हो जाने के बाद गाइस आप लोग बैक कर लेना, एंड जो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लेना। अब गाइज ए वाला इफेक्ट को कॉपी कर लेना कुछ उसी तरीके से, एंड जो आपका फ़ोटो होगा उस फोटो में सिंपली पेस्ट कर देना, आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आपका फ़ोटो में ए वाला इफेक्ट को सिंपली पेस्ट कर देना, आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। देन वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके गाइज आप लोग वीडियो को सेव कर लेना।